बहादुरगढ़ यातायात पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, नियमों की अवहेलना करने वालों के काटे चलान। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से, पत्रकार परवीन चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर जिले के एसपी श्री राजेश दुगल के दिशा निर्देशानुसार आज बहादुरगढ़ यातायात पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बहादुरगढ़ यातायात पुलिस एसएचओ श्री देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे और मास्क न लगाने वालों को मास्क भी वितरित किए गए। जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए मास्क देकर लोगों को जागरूक किया गया। चेकिंग के दौरान दो पटाखा बुलेट बाइक को इंपाउंड भी किया गया। ट्रैफिक पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान करने का उद्देश्य वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराना है, क्योंकि यातायात नियमों का वाहन चालक पालन नहीं करते तो वह दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों की जान भी जा सकती है। इसी उद्देश्य के साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। इन चेकिंग अभियान के दौरान एसएचओ देवेंद्र कुमार, एसआई ईश्वर दलाल, एएसआई देवेंद्र, एसआई मुनीश, लेडीज हेड कांस्टेबल सुषमा, सिपाही मुकेश कुमार, कांस्टेबल सुरेश कुमार आदि मौजूद रहे। जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी तरफ से ये अभियान चलाया गया है कि उनका ट्रैफिक नियमों के तहत चालान किया जा रहा है। अभी तक कितने आपने मोटरसाइकिलें कुछ पकड़ी हैं यहाँ पे? हमने काफ़ी व्हीकलों की चेकिंग की है, जिनमें से एक ये मेरे पीछे देख रहे होगे आप, बुलेट बाइक है जो पटाखा छोड़ रही थी, इसको चेक किया था तो विदाउट डॉक्यूमेंट इसको इंपाउंड भी किया है और इसका नियमानुसार चालान भी किया गया है। लोगों को जागरूक भी करें जी, समय समय पर हम स्कूल कॉलेजों में इस प्रकार का जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, बच्चों को, पब्लिक को, ट्रक जो ड्राइवर हैं उनको, वाहन चालकों को समय समय पर इस संबंध में अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाकर अवेयर किया जाता है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी वाहन चालक है, चाहे वो दो पहिया वाहन चालक है या वो चार पहिया वाहन चालक है, ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए अपने वाहन को निरंतर चलाएं।